बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन हायर एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। हाउ डज COVID-19 इफेक्ट द हायर एजुकेशन सिस्टम। इकॉनमी सेक्टर्स के अंदर हायर एजुकेशन सेक्टर जो है वो पहले ही ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत इफेक्टेड था, और इकॉनमी स्केल के अंदर अगर हम बात करें और इकॉनमी सेक्टर के अंदर बात करें तो सबसे कम जो बजटेड सेक्टर था गवर्नमेंट की साइड से वो हायर एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर ही है, और उसके बाद हेल्थ का सेक्टर भी है। तो दोनों ये सेक्टर, हेल्थ का सेक्टर है और हायर एजुकेशन सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है, ये दोनों वो सेक्टर थे जिसमें पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो बहुत कम एलोकेशन करती थी बजट में इन सेक्टर्स के लिए। और ये दोनों सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, और इस ऐसी सूरत हाल जो कि सदियों तक ये ऐसी सूरत हाल का आपको सामना ना हुआ हो और आप सदियों तक एक जैसे सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपको एक ऐसी वबा या ऐसी पेंडेमिक के साथ फाइट करनी पड़े कि जिसके लिए आप तैयार ना हो, तो आप ये समझें कि आपको वो सिस्टम किस हद तक सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो है हायर एजुकेशन। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या उनका जो क्या कहते हैं, आप कहते हैं सॉफ्ट एसेट्स हैं, लाइक फैकल्टीज़ हैं उनकी, कि जिनकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर तो कोई वैल्यूज़ नहीं होती, लेकिन उसकी जो ये एक फैकल्टी जो है एक ऐसा सॉफ्ट एसेट्स होते हैं कि जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इस लिहाज से हम थोड़ी सी बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिक्स एसेट कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा ऑलरेडी थी, और जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कैंपस के अंदर ना हो और COVID-19 की वजह से उन की तादाद जो है वो बहुत कम हो, और आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और बिल्डिंग्स, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बिल्डिंग्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की और रेजिडेंशियल एरियाज की और डाइनिंग्स हॉल्स हो गए, डोम्स हो गए और दूसरी अदर्स जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जब फ्यू स्टूडेंट के साथ फेस करेंगी तो ज़ाहरी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ए ग्रुप ऑफ फैकल्टी के पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी इक्विप्ड है न्यू टूल्स, ऑनलाइन टूल्स के साथ। लेकिन बात ये करनी है कि आया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस COVID-19 के बाद की जो सिचुएशन होगी या प्रेजेंट जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, इसके साथ ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट करते हुए उनके वो तमाम फिक्स एसेट और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इतनी वल्नरेबल होगी, या वो यूनिवर्सिटीज़ जिनका जो सिस्टम है वो वेरी रिजिलियंट है और अडॉप्टेबल है, वो तो इस को आसानी से अडॉप्ट करेंगी और इस COVID-19 को एज ए अपॉर्चुनिटी के लेते हुए अपनी कॉस्ट को कम कर सकती हैं। लेकिन जिन हायर इंस्टीट्यूशंस का जो सिस्टम होगा वो रिजिलियंट नहीं होगा और अडॉप्टेबल नहीं होगा, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल, माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें और दूसरी बात यह है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी जो है वो इसके लिए तैयार नहीं होगी, या वो हाईली स्किल्ड फैकल्टी नहीं होगी, या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होंगे फैकल्टी के पास या यूनिवर्सिटीज़ के पास कि वो ऑनलाइन क्लास की तरफ जा सकें, तो उनको ये मुश्किलात भी फेस करना पड़ेंगी। सबसे पहली जो मुश्किलात है वो उनको समझने की फाइनेंशियल मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि इकॉनमी ऑफ स्केल पे आने के लिए उनको अपने फिक्स्ड कॉस्ट से बचने के लिए जारी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस में कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट की तादाद वो नहीं होगी जो कि आम रूटीन के अंदर होती है, तो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट वहीं पे होगी और उनको 50% अगर वो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जाएं और 50% आफ्टर द COVID-19 अगर वो कैंपस क्लासेस के ऊपर जाएं, तो ये
भी इसके बारे में भी उनको प्लानिंग करनी होगी। लेकिन ये प्लानिंग अगर यूनिवर्सिटीज़ ने आज से तकरीबन 10 साल पहले की होती कि वो 50% ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाते और 50% कैंपस ऑनलाइन की तरफ जाते, तो ये बहुत इकॉनमी ऑफ स्केल की तरफ यूनिवर्सिटीज जा सकती थी और काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिटेबिलिटी और उनको फाइनेंशियल पोजीशन उनकी जो है वो भी बेहतर हो सकती थी। तो इसमें दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है वो आपकी फैकल्टी को इक्विप करना है विद द ऑनलाइन क्लासेस, विद रिसोर्सेज और विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और जिससे ताकि के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट तक पहुँचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।